रिसाली निगम की शहर सरकार बनने के बाद महापौर शशि सिन्हा ने अपने परिषद के सदस्यों के साथ बैठक आहूत की, जिसमें पूरे निगम रिसाली क्षेत्र को साफ सुथरा रखने एवं सुगम यातायात व्यवस्था के तहत चर्चा की एवं आगामी दिनों में सभापति द्वारा निर्धारित दिन को रिसाली निगम का पहला बजट प्रस्तुत करने की तैयारी की जानकारी सभी MIC सदस्यों को दी गई। महापौर शशि सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में बजट पर बिंदुवार चर्चा की गई, साथ ही आने वाले वित्तीय वर्ष को ध्यान में रखते हुए उसे मूर्त रूप देने कहा गया। महापौर परिषद के सदस्यों ने कहा कि बजट निगम में होने वाले आय के अनुरूप हो, ताकि आर्थिक संकट के दौर से गुजरना न पड़े। सदस्यों ने चर्चा के बाद सामान्य सभा के लिए तिथि का निर्धारण करने के लिए निगम सचिव को कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिए। परिषद ने निर्णय लिया कि कोई भी सामान खरीदने की प्रक्रिया को नियमतः पूर्ण किया जाए। एजेंडे पर चर्चा करते हुए सदस्यों ने कहा, डोर टू डोर कचरा कलेक्ट करने के लिए ई रिक्शा खरीदने की जरूरत है। इस कार्य को बिना देरी किए जल्द ही पूरा किया जाए, ताकि शहर स्वच्छ रहे। ई रिक्शा खरीदने निगम लगभग 85 लाख खर्च करेगा। साथ ही गीले कचरे से खाद बनाने के लिए रिसाली निगम में जल्द कंपोस्टिंग मशीन इंस्टॉल किया जाएगा। इसकी आवश्यकता पर कार्यपालन अभियंता ने प्रकाश डाला। इसके बाद MIC सदस्यों ने इस प्रस्ताव को एक मत से पारित कर दिया। MIC सदस्यों ने वार्ड 29 के कल्याणी मंदिर चौक से श्याम नगर चौक तक डामरीकरण करने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने कहा। इस कार्य में लगभग 100 लाख खर्च होने का अनुमान है। इस बैठक की जानकारी MIC सदस्य अनूप डे ने मीडिया को दी। नमस्कार। बजट को लेके अभी हम लोगों ने थोड़ा तैयारी हमने कर चुका है, और अभी बस सभापति जी का आदेश अनुसार कब हम लोग बजट रखेंगे, वो डेट को बस फाइनल करना है। बाकी इस बजट में काफ़ी सारी अच्छी चर्चाएं हुई हैं, और रिसाली नगर निगम को अच्छा और बढ़ाने में और रोशन करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी महत्वपूर्ण हुई है, जिसमें साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए 40 ई रिक्शा का भी अभी हम लोगों ने पास किया है, और कंपोजिंग मशीन का भी हम लोगों ने अभी रखा है और वो भी पास हो चुका है, वो भी एक हमको यहाँ पे लाना है। और प्लस हमारे मुख्यमंत्री जी के उससे एक शीतला मंदिर से लेकर रिसाली आशीष नगर तक का एक रोड डामरीकरण करना है, वो बहुत बड़ा हम लोगों को सौगात है उनके तरफ से, हम उनको धन्यवाद देते हैं इस चीज़ के लिए। और बाकी हमारे आदरणीय बाबू जी, हमारे दामोदर साहू जी, जो उनका आशीर्वाद से जो बजट हम लोगों ने किया है वो उनसे काफ़ी खुश है, और उनको इस चीज़ की हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उनका पहला बजट हम नगर निगम को रखे। और बाकी सब बहुत ही अच्छा, और LED का भी, लाइट का भी कुछ हम लोगों ने प्रस्ताव रखा, क्योंकि और सौंदर्यीकरण पे लेके और साफ सफाई को विशेष ध्यान देते हुए रिसाली नगर निगम को नंबर 1 पे लाना है, तो इसलिए बजट बनाया। बहुत बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग अपने जितनी भी हमारी टीम है, चाहे MIC सदस्य हो चाहे पार्षदगण हो, सब लोगों ने जी जान से अपना मेहनत कर रहा है, और हर वार्ड में अपने सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और भी बहुत सारी नई चीज़ों का हम लोग आगे बढ़ के कुछ करना चाहते हैं, जो हम लोग अभी आपस में बात चर्चा चल रही है, और चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर जितना अच्छा हो सके हम रिसाली नगर निगम को नंबर 1 पे रखें। रिसाली निगम की पहली बैठक में महापौर परिषद के सदस्यगण सहित निगम आयुक्त आशीष देवांगन, कार्यपालन अभियंता सुशील बाबर व निगम सचिव रमाकांत साहू समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रिसाली से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।